नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रुलानिया आपका रुलानिया क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हमारे नए मेहमानों से विनती है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन बनी हुई है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS, तो उसके अंदर जो BSc नर्सिंग है या फिर जो अन्य पैरामेडिकल कोर्स हैं उनका जो आवेदन है वो प्रारंभ हो चुका है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये राजस्थान जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय उसके द्वारा जो जारी किया गया नोटिफिकेशन है तो इसको हम देखते हैं। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जो जयपुर के अंदर स्थित है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो नर्सिंग है वो नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, नर्सिंग एंड जो BSc नर्सिंग है उसमें एडमिशन है वो प्रारंभ हो चुका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ruhsraj.org, इसकी वेबसाइट है, आप इस पर भी जाकर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रवेश विज्ञप्ति। तो नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 70/2018-19 के अंदर होने वाली है, उसके लिए MSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, पोस्ट बेसिक जो BSc नर्सिंग उसमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित राजस्थान में स्थित राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जयपुर, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जो सब वित्त पोषित है, निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग व BSc नर्सिंग के पाठ्यक्रमों में 70/2018-19 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन पद्धति द्वारा संपादित की जाएगी, यानी आपको पहले ऑनलाइन जो टेस्ट देना है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पर ऑनलाइन आपको टेस्ट देना, वो पद्धति द्वारा जो संपन्न की जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि कब है? ये आज से यानी 5 जुलाई 2018 गुरुवार साय 5 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने या फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो रहेगी 31 जुलाई 2018 मंगलवार मध्य रात्रि 12 बजे तक। इसके अलावा हम थोड़ा देखते हैं MSc नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हेतु केवल सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे फॉर्म की हार्ड कॉपी उचित माध्यम से अग्रेषित करवाकर राजकीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि कब रहेगी? ये 10/8/2018 शुक्रवार साय 5 बजे तक रहेगी। यानी ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आपके जो हार्ड कॉपी मिलती है साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आप 10 अगस्त 2018 शुक्रवार शाम को 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जमा करवाने। और उसका जो एड्रेस है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुंभा मार्ग सेक्टर 18, कुंभा मार्ग प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर, ये एड्रेस है, वहाँ पर जाकर आपको जमा करवाना पड़ेगा। इसके बाद ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तिथि, यानी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आपकी कब होगी? तो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी आपको 19 अगस्त संडे के दिन होगी। तो अब इसका जो नोट देखते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन संपादित की जाएगी, बिना ऑनलाइन आवेदन किए सीधे ही प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी आप ये चाह रहे हो कि हम ऑफलाइन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिया जाए तो वो आपका एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर। ई मित्र द्वारा आवेदन शुल्क जमा कराने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो अभ्यर्थी किसी भी ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो पर आवेदन शुल्क जमा, आवेदन शुल्क राशि MSc नर्सिंग कोर्स हेतु ₹3000 एवं निःशक्त जन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राशि 1500 एवं ई मित्र सेवा शुल्क राज्य सरकार के नियमानुसार तथा BSc नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हेतु ₹1500 एवं निःशक्त जन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राशि ₹6700 एवं ई मित्र सेवा शुल्क अलग से जो नियमानुसार दे वो होगा। यानी आप अगर MSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके ₹3000 वहाँ पर फीस लगेगी, ई मित्र के माध्यम से जमा करवानी पड़ेगी। और आपका जो ₹50 या ₹60 ई मित्र वाला अलग से चार्ज करेगा। और BSc नर्सिंग करने चाहते हो या पोस्ट BSc नर्सिंग करने चाहते हो तो आपके ₹1500 लगेगी। अगर यही प्रक्रिया अगर निःशक्त जन है तो वो अगर MSc नर्सिंग करना चाहता है तो उसके ₹1500 लगेंगे। और निःशक्त जन BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहता है तो उसके ₹750 फीस लगेगी। उसके बाद देखते हैं, अभ्यर्थी ई मित्र पर आवेदन पत्र भरकर आवेदन शुल्क, ई मित्र शुल्क सहित जमा कराने के उपरांत ई मित्र भुगतान रसीद अवश्य ले जिस पर 12 डिजिट का ट्रांजैक्शन कोड अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर पर भी आवेदन पत्र भरकर केवल आवेदन शुल्क
ई मित्र पर जमा करा सकते हैं। ई मित्र द्वारा फीस जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी वो 31/7/2018 मंगलवार मध्यरात्रि 12 बजे तक रहेगी, उसके बाद किसी भी प्रकार की ऑनलाइन फीस जमा नहीं होगी। इसके अलावा अभ्यर्थी गाइडलाइंस फॉर मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन की पालना कर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल वैलेट्स द्वारा भी आवेदन शुल्क जमा करवा सकते हैं। उसके बाद एक विशेष रूप से नोट दिया है, तो अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध इन्फॉर्मेशन बुकलेट एवं इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नवीनतम सूचनाओं के लिए विद्यालय की जो वेबसाइट है विश्वविद्यालय की, उस पर लॉगिन करें। और ये वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो रहेगी फीस की, फीस कितनी होती है, बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है, कब से बंद होंगी, उन सभी के बारे में। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या फिर एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप जल्दी आवेदन कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार के लेटेस्ट जॉब और एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।